आहिस्ता, अरे नहीं करो ना उसे टच, क्या मसला है तुम्हें? दर्द हो रहा है? कुछ तो बोलो, क्या हुआ? दर्द हो रहा है मुझे जिया। सॉरी डॉक्टर साहब, ज्यादा गहरा जख्म तो नहीं है? नहीं नहीं, गोली हल्की सी स्किन को छूकर निकल गई, परेशानी की कोई बात नहीं। तुम्हें दर्द हो रहा था ना, कोई कोई पेन किलर, कोई इंजेक्शन लगवा ले? आप बैठिए, हम कंप्यूटर को भेजता हूँ, आपको इंजेक्शन लगा दे। जल्दी जाए, जाए। बैठो। घर से कौन है? हाँ, शरीकी है। अटेंड करो ना। मुझे नहीं उठानी है, तुम बैठो। जी एटलीस्ट सुनिए तो बताता हूँ खैरियत से यार। करो। हेलो। हेलो जियो, कहाँ तुम लोग यार? तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? हम लोग यहाँ इतना परेशान हो रहे हैं। हम हॉस्पिटल में हैं। माय गॉड, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक हो ना? अरसल की तबीयत ठीक नहीं है, तो सबको घर में बता दो कि हम थोड़ी देर में घर आएंगे। आंटी मेरी अभी उन लोगों से बात हुई है, वो दोनों ठीक हैं बिल्कुल। तुम मुझे सीसी बताओ, तुम जिया को लेकर गए थे ना रेस्टोरेंट, ये अरसल वहां पर कैसे टपक आया? आंटी, अरसल ऑलरेडी अपने कुछ दोस्तों के साथ आया हुआ था उस रेस्टोरेंट में। तुम्हें जरूरत क्या थी उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट देने की, और ऊपर से जिया को उसके साथ छोड़ा क्यों? सॉरी अंकल। अरे भाई नहीं मां, तुम फोन करो कब घर वापस पहुंचेगी वो। नीचा नजाकत, तुम यहां क्या कर रहे हो? जाकर देखते क्यों नहीं कि बच्चे कहां हैं? बीजान अभी अभी बात हुई है शहरी की, वो आ रहे हैं वापस। और बेटा तुमने भी खूब की, अपनी जान बचा के भाग गए। बीजान वो मैं पूछूंगी मैं शाहजहां से कि ये तरबियत दी है कि जब मुसीबत पड़े तो अपनों को छोड़कर चले जाओ। बीजान आप बैठे तो सही। अरे क्या खाक बैठूं, पता नहीं किस हाल में होंगे बच्चे। और छन्नो और जमशेद को तो देखो, ऐसे पुरसकून बैठे हुए हैं जैसे अपनी औलाद नहीं है पड़ोसियों की औलाद है। तुम फोन तो करो।